गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि करीब एक महीने में गुरुग्राम में कोरोना के 160 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अभी भी कोरोना के 43 मामले गुरुग्राम में सक्रिय बताए जा रहे हैं, यानी एक्टिव केस है। वहीं साइबर सिटी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। में भी हमने नोटिस किया है कि जहां पिछले महीने हमारे 150 केस थे, अभी 26 दिनों में ही हम उस आंकड़े को पार कर चुके हैं और 156 से ज़्यादा केस हमारे पास आ चुके हैं। तो चाहे वो स्लाइट इंक्रीज हो, लेकिन डेफिनेटली थोड़े से केसेस बढ़े हैं और शायद त्योहारों की वजह से ही बढ़े हैं, और इसी को देखते हुए भी हमने एक एडवाइजरी जारी की है। कल हमने सभी जो है DC ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हमने एडवाइजरी जारी करी, जिसमें हमने ये बताया खास करके बुजुर्ग और बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के, या उन लोगों को जिनको कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, वो त्योहारी सीजन में थोड़ा सा परहेज बरतें घर से बाहर जाने में।